हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू श्रुति मेकओवर। सो आज मैं आप सभी को बताने वाली हूँ एप्पल हेयर कटिंग फॉर बेबी गर्ल्स। सो अगर आपके पास भी प्यारी सी क्यूट सी गर्ल्स आती है तो आप इस तरह से उन्हें एप्पल कट दे सकते हो। बहुत अच्छा कट है, बहुत ईजी भी है, आप विद इन 5 मिनट्स में कर लोगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने हेयर को वेट किया और कटिंग शीट वेयर करवा दिया। आप बच्चों के जब भी हेयर कट करते हो कोशिश करें उन्हें ना थोड़े नीचे बैठाए, यानी कि होता है ना ज़्यादा ऊँचे वाले चेयर पे ना बैठाए तो ज़्यादा ईजी रहता है। और आप बच्चों से तो नहीं पूछोगे कितना लेंथ कट करना है, तो उनकी मम्मी से आप पूछ लीजिएगा। तो जिनका मैं हेयर कट करी हूँ उनकी मम्मी ने बोला था पूरा लेंथ छोटा नहीं करना है, बस ट्रिम करना हल्का हल्का, बस मुझे फ्रंट से देना था लुक। सो ध्यान से देखिए, पहले मैंने मिडिल पार्टीशन कर दिया है। कभी भी हेयर कट करते हैं मिडिल पार्टीशन ही करके हेयर कट होता है। इस तरह से गाइडलाइन क्रिएट करेंगे। सबसे पहले सेंटर के हेयर कट करते हैं पीछे में, देखिए इस तरह से, और लेंथ आप पूछ लीजिए। और बच्चों के ना हेयर बहुत हिलते हैं, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। बच्चों का आदत होती है इधर उधर करने के, तो बार बार ना उनके सर को आप सही पोजीशन पे लाओगे, एकदम जैसे मैं ला रही हूँ। उसके बाद आप ध्यान से थोड़ा सा ही मैं लेंथ कट कर रही हूँ। आपके क्लाइंट जितना बोलते हैं आप उस अकॉर्डिंग हेयर कट करोगे। और वैसे भी लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, एप्पल कट जब भी आप करोगे ना तो लेंथ थोड़ी बड़ी रहती तो ही अच्छा लगता है, बहुत प्यारा मुझे ये कट लगता है, बच्चों के लिए परफेक्ट होता है। अब जो हमने सेंटर में हेयर को कट किए सबसे पहले, उसे हम फिनिशिंग से 2 बार पहले कट करेंगे, हमें जो भी एक्स्ट्रा हेयर दिख रहा है। इस तरह से भी आप कर सकते हो। अब इसी सेंटर वाले हेयर को हम मिक्स करेंगे दोनों तरफ के हेयर से, क्योंकि वो हमारा गाइडलाइन हो गया। और जो भी अब बड़े बाल है वो आपको पता खुद चल जाएगा, तो छोटे बाल से मिला के लंबे बालों को कट कर दीजिए। राउंड आकार में कट रही हूँ मैं, देखिए आप किस तरह से कट कर रही हूँ। सो एप्पल कट में आपका पूरा राउंड शेप बनेगा पीछे से, और फ्रंट से हम बेबी कट देंगे। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए ध्यान से। आप लोग की बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी मैम मशरूम कट भी दिखाए, बेबी कट दिखाए, तो मैं आप लोग को धीरे धीरे सब कुछ हेयर कट की वीडियो दिखाऊंगी। तो मेरे चैनल पे बने रहे, और पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेक श्योर आप मेरे चैनल को चेकआउट कर लीजिएगा। मैं ऑनलाइन आप लोग को ब्यूटिशियन कोर्स की वीडियो दिखाती हूँ। आप जब भी बच्चों के हेयर कट करते हो अंदर से भी ना मतलब कॉम किया करो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी अंदर के हेयर रह जाते बच्चों के, सो वो सब ध्यान रखना। और आपको नोचिंग कर देना है, देखिए ये सब आपको दिख रहा है, थोड़ा सर आप बेंड कर दीजिएगा उनका, फिर अंदर से जो हेयर एक्स्ट्रा लगेंगे ना आपको उसे कट करना है। सबसे इजी ट्यूटोरियल होता है इस तरह से, देखिए आपको चारों तरफ से मतलब घुमा लेना है बच्चे को, और देखना है कि कोई हेयर छोटे बड़े तो नहीं रह गए। और इस तरह से भी एक लास्ट में फिनिशिंग टच के लिए आप कर सकते हो, देखो इससे पता चल रहा है ना अंदर में हेयर थे। जब भी हेयर कट करते हैं आप कम से कम नीचे की क्या कीजिए, ये सब आदत को डालिएगा ना अपने हेयर कट में, आपकी हेयर कट अच्छी हो जाएगी। फ्रंट में पहले से इनके हेयर कटते मैंने ही कट किया था आज से 4 या 5 महीने पहले। सो पूरा अब हेयर को एकदम नॉर्मली सारे हेयर को जो फ्रंट के हैं उसे आप इस तरह से फेस के पास लाओगे। देखिए इसमें कोई पार्टीशन नहीं है। सबसे पहले मिडिल के हेयर को कट कर रही हूँ मैं, देखिए आपको बचा के यहाँ पे करना है। बच्चों के हेयर कट कर रहे हो तो ध्यान से उन्हें बोलिए आई क्लोज करने, वैसे तो करते नहीं है बच्चे, बट फिर भी थोड़ा सा मैंने कट के, मैं ज़्यादा छोटा नहीं करूँगी, एप्पल कट में ज़्यादा छोटा अच्छा नहीं लगता है। अब जो हमने सेंटर में कट किया उसी से मिला के हम जितने हमारे रेस्ट हेयर बच गए उसे कट करेंगे। ज़्यादा मैं कट नहीं कर रही हूँ, आप देख रहे हो, देखिए इस तरह से कट, देखिए ध्यान से, और इस तरह से आपको साइड में करना है। देखिए ध्यान से मैं किस तरह से कर रही हूँ, थोड़ा सा आपको ध्यान से करना है क्योंकि ना बच्चे हैं ना, तो ईयर के पास नहीं लगना चाहिए, आईज के पास नहीं लगना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखें जो हेयर को पहले कट करते हो वो गाइडलाइन आपका होगा, उससे मिला के आपको रेस्ट जो बड़े हेयर रहते हैं उसे कट करना है। सो हमने जो भी फ्रंट में हेयर को कट कर रही हूँ मैं, तो ये एग्जैक्ट हम मिक्स कर देते पीछे वाले हेयर से। सो ये पूरा बन जाता है एकदम प्यारा कट, मतलब आप बोल सकते हो, देखिए किस तरह से एकदम मर्ज करके आपको कट करना है। देखिए इस कट को बहुत लोग बेबी कट भी बोलते हैं, गर्ल्स कट भी बोलते हैं। देखिए इस तरह से सर को थोड़ा बैंड करके दूसरी तरफ के कट कर रही हूँ, ये बड़ा वाला हेयर आपको दिख गया कट नोचिंग, तो इसी तरह से दूसरी तरफ भी मैं हेयर कट कर लेती हूँ। Thank you.
सो गाइज, हेयर कट करने के बाद अब बच्चों के सर को बैंड जरूर किया कीजिए, अंदर के हेयर उनके रह जाते हैं तो वो सारे कट हो जाएंगे। और इस तरह से ध्यान से एकदम देखिए, मैं कितनी धीरे धीरे सीजर को चला रही थी, देखिए हाँ इस तरह से बस। उसके बाद क्या, आप फेस पे जब भी हेयर रह जाते हैं ना, आप पाउडर लगा दीजिए। और ब्रश आता है हेयर को रिमूव करने के लिए, हेयर कटिंग में जो मैं कर रही थी, आप उसे रिमूव कर दीजिएगा। पाउडर लगा करोगे तो अच्छे से रिमूव हो जाता है। सो फाइनल कट यही है, कितनी प्यारी लग रही है आप देख लीजिए। और ये वीडियो पसंद आया होगा, हेल्पफुल होगा, तो मेक श्योर लाइक शेयर कमेंट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपको मेरे कॉन्टेंट, मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं और आप मेरे पुराने व्यूअर्स से बट सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो कोई भी और मतलब हेयर कट देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, मुझे आपकी रिक्वेस्ट फुलफिल करूँगी। और कोई भी क्वेश्चन है मेरे वीडियोस से रिलेटेड, वो भी आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो ये रहा फाइनल रिजल्ट, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल, बाय बाय।